नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, ये एक बिजनेसमैन की पाम है और इनकी एज है लगभग 35 ईयर्स, और ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, कैरियर में उतनी प्रोग्रेस हुई नहीं, क्यों नहीं हुई और कब होने वाली है या होगी कि नहीं, वो सब कुछ हम लोग इस पाम के एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम लोग वो सारे पाम लाते हैं जो सारे पाम की एनालिसिस से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, जो लोग पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो कुछ इंटरेस्टिंग पाम में से ये भी एक इंटरेस्टेड पाम आप लोगों को दिखेगा। तो इस पाम से पहले हम लोगों को शुरुआत की जो शेप और साइज़ है, वही से हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगी कि इस पाम की प्रॉब्लम या दिक्कत क्या है। तो इस पाम को अगर देखेंगे तो पाम पतली पाम है, ठीक है। पतली पाम रेक्टेंगुलर शेप की भी है। तो जब इस तरीके का पाम हो, जो हो पतली हो, रेक्टेंगुलर शेप की पाम हो, तो ये टोटली एक मेंटल पाम हो जाती है। मतलब ऐसे इंसान फिजिकल मेहनत से बहुत कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। हाँ, जहाँ पे दिमाग की काम लगेगा या मेंटल काम आएगी, वहाँ पे ऐसे लोग अच्छे खासे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बोलिए, राइटिंग बोलिए, ऑफिस में डेस्क में बैठ के आराम से, जो मतलब शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करवा के जो सारे कामकाज है, वो सारे कामकाज अगर ये लोग करते हैं तो उसी में इनको सक्सेस मिलती है। लेकिन इनका जो बिज़नेस है वो है प्रिंटिंग का बिज़नेस और ट्रेडिंग का बिज़नेस, जो बेसिकली ऐसे बिज़नेस होते हैं जहाँ पे आपको फिज़िकल लेबर देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको ऑर्डर मिलेगा, आप उसकी प्रिंटिंग करवाएंगे, फिर उसको ट्रेडिंग करवाएंगे, मतलब उसको सेल करेंगे या फिर अपने जिन्होंने ऑर्डर दिया है उनको देंगे। ये सारे जो कामकाज है, ये जो टोटल जो कामकाज है इस बिज़नेस में, ये टोटली हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फिजिकल लेबर चाहिए, मेंटल पावर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको भी अगर थोड़ी सी चीज़ है उसको अगर छोड़ दें तो बाकी ज़्यादा काम मैक्सिमम जो है फिज़िकल से ही आती है। और ये जो पाम है बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, जहाँ पे आपको फिज़िकल लेबर देने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता हुआ दिखेगा। आपको सक्सेस कब मिलेगा? जब आप अपने सिर्फ दिमाग से काम लेंगे, वो सारे काम काज करेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी फिज़िकल मेहनत आपकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि नौकरी करे, ऑफिस में जाए और दफ्तर में बैठ के कुछ काम करे, डेस्क में काम करे और वापस आ जाए, या फिर अपने राइटिंग में जाइए, लिखने का काम दिमाग से आ रही है और लिखते जा रहे हैं, उस तरीके का कुछ काम। तो इस तरीके का जो सारे काम काज है ऐसे लोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इनके अगर थंब भी देखेंगे तो थंब काफ़ी लंबी दिखेगी आपको, रेक्टेंगुलर शेप पाम में जो थंब लंबी होती है जनरली। तो ऐसे लोगों को क्या क्वालिटी होती है? ये लोग बहुत धीरे धीरे बात करना पसंद करते हैं, लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना जानते हैं। मतलब जहाँ पे भी जाएंगे लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी बात मानेंगे। इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, सॉफ्ट जो है इनके लीडरशिप सॉफ्ट भी रहती है। और ये जो थंब है काफ़ी पतली है, तो इनके जो लीडरशिप है वो काफ़ी हमें जो है सॉफ्ट दिखेगी। और कभी कभी जो हार्डनेस की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप लेबर को देके काम करवाएंगे या बहुत ही जूनियर एम्प्लॉई को काम करवाएंगे, तो वहाँ पे कभी कभी बहुत सॉफ्ट होने से प्रॉब्लम हो जाती है, जो सॉफ्टनेस हमें यहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो थंब बहुत ज़्यादा मतलब पतली होने के कारण ही, तो कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन ये जो पतली है इसकी जो करेक्टरिटीज़ है ये दिखाती है ये इंसान कभी भी टफ नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर से या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑर्डर नहीं दे पाते हैं और बहुत ही हर वक्त जो है सॉफ्ट रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो भी होते हैं कि लोग इनका जो है जूनियर जो इनके एम्प्लॉइज़ होते हैं उनसे फ़ायदा ले लेते हैं, तो ये भी और एक प्रॉब्लम है। व्हील और लॉजिक पार्ट में देखिए, लॉजिक पार्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबी है। इनमें लोगों को काम करवाने की क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी है और प्लानिंग करने की भी क्षमता भी अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमी आ जाती है। जब आप खुद बिजनेसमैन हैं और खुद की ही बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो काम है वो ऑर्डर लेने से या डिज़ाइन करने से जो है ज़्यादा रहेगी कि एग्जीक्यूट करें और बनाया हो रहा हुआ प्रोडक्ट को आप सेल करें। ये दो चीज़ आपकी जो बिज़नेस है वहाँ पर ज़्यादा हमें आता हुआ दिखेगा। एटलीस्ट 70% तो आएगा ही, 30% क्रिएशन प्लानिंग ये सब चीज़ के लिए रहेगा, जिसके लिए आपकी लॉजिक पार्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन व्हील पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि छोटी पड़ रही है, जिनके कारण क्या होगा कि एग्जीक्यूशन में कमी आएगी। तो ये और एक हमें नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी। मैं सारे रेमेडी जो होगी इनकी मैं अलग से भेज दूँगा, यहाँ पर बोलेंगे तो वीडियो जो है अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
अगर हम लोग बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो सारे फिंगर की फॉर्मेशन बाहर की तरफ है, तो ये दिखाती है कि एक्सट्रोवर्ट नेचर। एक्सट्रोवर्ट नेचर मतलब घर में ना रह, ना दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर में टाइम पास ज़्यादा करना, मतलब घर में मन ज़्यादा नहीं लगते हैं ऐसे लोग, थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट नेचर हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोग थोड़े डिमांडिंग भी होते हैं, दूसरों से थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, तो उनके कारण भी तकलीफ आ जाती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। तो ये जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ से ये इनको पाम के हिसाब से, ओवरऑल पाम के हिसाब से छुटकारा कैसे मिलेगा। देखिए, जब भी बिजनेस की बात करेंगे या नौकरी की बात करेंगे, हम लोगों को माइंड लाइन देखना ज़रूरी है। माइंड लाइन इनकी जुपिटर माउंट से आ रही है और काफ़ी लंबी भी है, तो जब लंबी माइंड लाइन हो तो आपके लिए फैमिली बिजनेस ही है जो बिज़नेस आपको सक्सेस देगा। लेकिन जो ये बिज़नेस है, इनके क्वालिटी से मैच नहीं करती है। इनके जो क्वालिटी है, जहाँ पे ये ज़्यादा मेहनत तरीके से काम कर पाएंगे, तो उस क्वालिटी से इनको ये जो काम है ये मैच नहीं कर पा रही है, जिनके कारण फैमिली बिज़नेस होते हुए भी, लंबी माइंड लाइन होते हुए भी, इनको जो आशाएं है उस अनुरूप इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। माइंड लाइन जो है जुपिटर माउंट से आ रही है, जिनके कारण ये काफ़ी हाई एम्बिशियस इंसान है, ज़िंदगी में टारगेट जो है काफ़ी बड़ी है, प्लानिंग भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो काम इनको करना चाहिए, जिस तरीके का काम इनको करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो तकलीफ़ है, ये इनको यहाँ से हमें समझ में आ रही है। और भी चीज़ अगर हम लोग देखें इस पाम में, तो मरकरी की माउंट को देखिए, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं जो आप एक बहुत बढ़िया बिज़नेस चला पाए। फ्लैट है माउंट, जगह भी छोटी मिल रही है। मरकरी की अगर लाइन की बात करेंगे ना, तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा। इस लाइन को देखिए, मरकरी की लाइन, ये भी बिल्कुल पावरफुल लाइन है नहीं, एक इम्प्रेशन जैसी लाइन दिखेगी, और वो भी वेव फॉर्मेशन में। तो इस तरीके का जो लाइन होती है वेव फॉर्मेशन में, वो स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं होती है और रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं दे पाती है। यहाँ पे छोटी सी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। यहाँ पे खड़ी लाइन है लिक्विड मनी की, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हीलिंग क्वालिटी भी रहेगी। लेकिन एक तो मरकरी में उनकी कमज़ोरी और मरकरी लाइन की कमज़ोरी दिखाती है कि बिज़नेस, इस तरीके का बिज़नेस जहाँ पे एकदम टिपिकल बिज़नेस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशन से किसी भी दूर दूर का रिश्ता नहीं है, इस तरीके का बिज़नेस करने में आपको दिक्कत आएगी। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट उभरा हुआ अच्छी है, जगह अच्छी मिल रही है। सन की लाइन भी करीब करीब अगर हम लोग देखें, हार्ट लाइन से ही उठ रही है और आगे चल के इस तरीके का ट्राइडेंट का फॉर्मेशन भी बन रही है। यहाँ से एक लाइन निकल रही है सन लाइन से, और यहाँ से एक लाइन निकल रही है। तो ये जो इंडिकेशन करती है कि मल्टीपल प्रोफेशन, आपका मल्टीपल प्रोफेशन होना चाहिए, मल्टीपल प्रोफेशन में आप इनकम कर पाएंगे मल्टीपल वे में, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोफेशन में जाइएगा, मल्टीपल प्रोफेशन आपका रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल का साइन भी बन रही है, खुद का ज़मीन जायदाद जरूर हो पाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कर पाएंगे। रेस्पेक्ट आपको अच्छी मिलेगी, आपको आपका जो बिज़नेस का ब्रांड नेम है वो भी काफ़ी फेमस हो पाएगा, क्योंकि सनमाउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई मेजर साइन या इंडिकेशन सनमाउंट में हमें देखने को नहीं मिल रही है। सैटर्न माउंट की बात करेंगे तो सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो धन रेखा तो है, धन की कमी नहीं रहेगी, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दबी हुई है, और माउंट भी लिमिटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी माउंट तो है नहीं, तो जिनके कारण क्या रहेगी, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी कैरियर में, कि जो जितना सक्सेस मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, ये डिससेटिस्फेक्शन ऐसे लोगों में रहती है। सलमान रिंग इस तरीके से बन रही है, मेहनती है, लेकिन मेहनत का फल आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेहनत जहाँ पे कर पाएंगे वो आपकी दिमाग है, और आपका बिजनेस मांग रहा है कि आप फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा रखिए। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रही है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस इस बिज़नेस में अचीव नहीं कर पाएंगे। मंगल माउंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो मंगल माउंट से हम लोगों को पता चल रही है कि लिमिटेड मंगल माउंट है, जगह भी लिमिटेड है, उभरा हुआ जो साइड हमें देखने को मिल रही है ये भी लिमिटेड है। एग्रेसिव माउंट ज़्यादा स्ट्रांग है, डिफेंसिव माउंट उससे कमज़ोर है, जिसके कारण क्या होगी, आपकी कोई भी चीज़ शुरुआत तो बहुत एनर्जी से शुरू कर पाएंगे, लेकिन कुछ दिन चलाने के बाद उसे लंबे समय तक कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है उसकी कमी मिलता हुआ दिखेगा। कुछ भी चीज़ अगर शुरू करेंगे और शुरुआत में ही थोड़ी सी भी उसमें स्ट्रगल आ जाए, या कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वहाँ पे शुरुआत में ही अगर नुकसान हो जाए, तो बहुत जल्दी आप उससे छोड़ भी देंगे, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ हमें और एक नेगेटिव देखने को मिल रही है,
कि लंबे समय तक मेहनत विदाउट सक्सेस, मेहनत जिसे कहते हैं कि सक्सेस तो मिला नहीं लेकिन आप लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो डिपेंड करेगा आगे चल के आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो इनको अगर शुरुआत में ही सक्सेस नहीं मिलती है तो ये छोड़ने के, उस चीज़ को छोड़ने के या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वेनस माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, उभार है, इनमें क्रिएटिविटी तो अच्छी रहेगी, आर्ट किसी भी तरीके का आर्ट में इनका अच्छा नॉलेज रहेगा। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन की बहुत ही कमी है, हमें हल्की तो देखने को मिल रही है लेकिन ये सारे जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको रिज़ल्ट दे पाए। तो क्या हो रही है कि मेहनत चाहे आप जितनी भी करो प्रेजेंट टाइम में आपको उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिल पाएगा जो हमें यहाँ से समझ में आ रही है। यहाँ पे हमें लग्जरी लाइन देखने को नहीं मिल रही है, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लग्जरियस आपका नहीं है। चंद्रमा माउंट की बात करेंगे तो ठीक ठाक है चंद्रमा माउंट, बहुत ज़्यादा कोई मार्किंग नहीं है, फेथ लाइन का कुछ लाइन जो है चंद्रमा माउंट से आ रही है। ये जो चीज़ इंडिकेशन कर रही है कि थोड़े अगर आप बाहर की तरफ कोशिश करेंगे, मतलब अपने स्टेट से अपने सिटी से बाहर अगर बिज़नेस को बढ़ाने में या बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस जो है ज़्यादा मिलता रहेगा, ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी बात कर लेते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस आपकी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं। यहाँ से बात करते हैं तो हार्ट लाइन से अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है जो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन को दिखाती है। बिछड़ना, तनाव रहना, डिस्टर्बेंस रहना यहाँ पे भी ज़्यादा उभरा हुआ है। तो ये जो दो है मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो रिलेशनशिप में भी बहुत इनकी अच्छी रहेगी ऐसा हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में तनाव है। हाँ, शादी से पहले अगर दो चार रिलेशनशिप बहुत डीप आपका काट हो चुका है तो हो सकती है कि शादी के बाद जो रिलेशनशिप है आपका ठीक ठाक चले। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो मैरिज होने के बाद जो रिलेशनशिप है वाइफ के साथ उसमें भी तनाव होने का क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं फिर से एक बार माइंड लाइन की। माइंड लाइन जुपिटर माउंट से आ रही है जो हायर एम्बिशन को दिखाती है, उसके बाद चल रही है और अचानक से जो इस तरीके से गिर रही है और ये कोण बना रही है और ये बना रही है सन माउंट के ऊपर। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होती है, ना ही के धन। ऐसे लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, जनरली पॉलिटिशियन के पाम में हम लोग इस तरीके का माइंड लाइन देखते हैं जो सन की तरफ घूम रही हो उसके बाद अचानक से ढलान पड़ती हुई दिखे। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होती है, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, ऐसे लोग काम भी ऐसे करते हैं जिससे इनका फेम बढ़े, नाम बढ़े, ठीक है ना। तो नाम आपका अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन ठीक ठाक है, लाइफ लाइन से ना ही मुझे कोई असेंडिंग लाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है ना ही कोई डिसेंडिंग लाइन। लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम या कट वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही बहुत मेजर कोई जॉब साइन या इस तरीके का कोई साइन नहीं देखने को मिल रही है। तो जो लाइफ लाइन है आपकी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कोई असेंडिंग लाइन बहुत ज़्यादा है नहीं मिली ना। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा, ये ट्रेवल लाइन नहीं है। ट्रेवल लाइन जो होती है एटलीस्ट फेथ लाइन को काट के जाना चाहिए तो वो ट्रेवल लाइन होती है। अगर फेथ लाइन के अंदर है और लाइफ लाइन से लाइन निकल रही है तो ये दिखाती है कि ये डिसेंडिंग लाइन से असेंडिंग लाइन के बिल्कुल अपोजिट इसका रिजल्ट होती है। और ये आपका स्टार्ट होगा करीब करीब 50 के बाद, उसके बाद आपकी हेल्थ, फाइनेंस, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। हेल्थ में ही मेजरली डिफ़िकल्टीज़ होती है जब आपकी एडली एज हो जाए 50 के बाद। तो 50 के बाद आपका हेल्थ का कंसर्न रहना चाहिए और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए 50 के बाद। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की और आपकी करियर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो यही से देख लेते हैं, यहाँ पे पाउडर भी डला हुआ है और पिक्चर भी हमें क्लियर आता हुआ देखने को मिल रही है। फेथ लाइन तो बहुत शुरुआत से ही है, मतलब बहुत नीचे से ही है, लेकिन ये वेव फॉर्मेशन में है, राइट। दो एक लाइन आ रही है जो दिखाती है बाहर से आपको सफलता आने में कुछ मदद करेगी, जैसे कि आपकी शादी हो गई, यहाँ पे हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है करीब करीब 29-30 के करीब, तो उस टाइम में आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे एक और एक इंडिकेशन है 27-28 के करीब, तो ये दो पीरियड जहाँ पे शादी हो सकती है। आप बिज़नेस में आए, आपने बिज़नेस शुरू किया, आपका फैमिली में कोई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया उस टाइम में काम शुरू करने में या मदद करने में, तो ये जो सारे लकी इवेंट होती है ना, इस तरीके का जो लाइन आके फेथ लाइन में मिलती है,
इस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में होती है। शादी होना, कोई आपको हेल्प करे करियर में जिनके कारण आपको अच्छी जॉब या अच्छी बिजनेस मिल शुरू कर सकें आप ज़िंदगी में, तो इस तरीके का इवेंट इस तरीके का इंडिकेशन में हो जाती है। लेकिन ये तो हो गई आपकी 30 के करीब अगर हम लोग समझने में आए तो यहाँ तक हमें इस तरीके का इंडिकेशन मिल रही है। उसके बाद देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेथ लाइन है इसकी एज कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके लिए हमें इस पिक्चर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब अगर हम लोग कहें तो 30 से लेके 34-35 तक जो आपकी रनिंग एज है, तो करीब करीब 30 से लेके जो आपकी एज है ना, ये एक स्टेबल टाइम है, ये एक स्टेबल टाइम है। क्यों? इन्होंने कहा कि इस टाइम में मुझे बहुत अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक आपने जो लास्ट 4 साल या 5 साल बिताए हैं ज़िंदगी में वो आपका कुछ स्टेबल टाइम था। क्यों स्टेबल टाइम था? यहाँ पे अगर फेथ लाइन में देखें तो मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये लाइन हमें सीधा स्ट्रॉन्ग जाता हुआ देखने को मिल रही है, मेजर कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो यहाँ पे एक स्टेबल, हाँ ये लाइन काफ़ी मोटी है आपके पाम के हिसाब से, उससे क्या होती है कि रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ये एक स्टेबल टाइम था। लेकिन अभी जो टाइम हो रही है या आ रही है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड रहेगी आपकी 34.5 या 34 ले लीजिए, ठीक है, तो लास्ट 6 महीने होगा या 8 महीने होगा या 10 महीने होगा, जहाँ से आप देखेंगे कि आपके करियर में कुछ डिफ़िकल्टीज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों ज़्यादा बढ़ गई है? एक तो ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है और यहाँ से एक जॉब की फॉर्मेशन शुरू हो रही है, ये कोई फिश साइन नहीं है, ये एक जॉब की जैसी फॉर्मेशन है। और इसकी क्या कठिनाई है इसकी अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखेगी। देखिए यहाँ पर ये मेजर लाइन ख़त्म हो रही है और यहाँ से एक हल्की लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पर आके एक लाइन में मिल रही है और यहाँ से और एक साइन जो इस तरीके से जाने के बाद इस तरीके से एक फॉर्मेशन बना रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी कैरियर में कुछ चेंजेस आ आएगी। इधर हो सकती है कि आपका काम करने का तरीका में चेंज आए या आप अपने काम को ही चेंज करें, लेकिन इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्टीज में ही आप चलेंगे या जैसा है कभी अच्छा कभी थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम, इस तरीके से ही आपका लाइफ अभी भी चलता रहेगा, बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ मिल सकता था अगर ये वाली लाइन जो है आपका ये ना रहता और इस तरीके से इसको थोड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन ना बनाता, अगर सिर्फ यही जो पतली लाइन है ये रह जाता तो आपकी कैरियर में अच्छी सक्सेस मिल जाती। लेकिन ये जो लाइन है ये सपोर्ट देने के बदले में क्या होगी, क्योंकि साइड में हो फिफ्थ लाइन की तो हम लोग कहते हैं कि सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट देगा, लेकिन जब भी एक ही लाइन में ख़त्म हो जाए इस तरीके से तो ये जॉब की फॉर्मेशन को बनाती है, जिसके कारण क्या होगी आपको जो सक्सेस है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो ये टाइम कब तक चलेगा, लिमिटेड सक्सेस आएगा अगर आप अपने कैरियर में काम में बदलाव लाएंगे या बिजनेस में बदलाव लाएंगे, तो ये भी टाइम आपका चलेगा लगभग करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 40 तक तो चलेगा। तो 40 तक आने वाला टाइम भी आपका मीडियम सक्सेस ही देगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं दे पाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें फेथ लाइन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, एक शार्प लाइन, दूसरी और एक सपोर्ट देने वाली शार्प लाइन, यहाँ से और एक शार्प लाइन जो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस दे पाएगी। जुपिटर की तरफ जाने वाली फेथ लाइन ये दिखाती है कि इस टाइम के बाद जो भी आपको सक्सेस मिलेगा 48-49 के बाद, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस अचीव करेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे जो भी आपका एम्बिशन है, क्योंकि आपकी काफ़ी बड़ी एम्बिशन है। माइंड लाइन जो है जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, एम्बिशन आप पूरा कर पाएंगे लेकिन बहुत लेट होगा 48 के बाद। अपना जो टारगेट है, एम्बिशन है बहुत बड़ा मिलीनियर बनना, बहुत हाई सक्सेस अचीव करना, वो आपका 48 से ही शुरू हो पाएगी। उससे पहले अभी से लेके 40 तक मीडियम सक्सेस या स्ट्रगल रहेगी, अप एंड डाउन रहेगी, उसके द्वारा सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 40 से लेके करीब करीब 48 तक आपको अच्छा सक्सेस और गोल्डन टाइम जो भी होती है 48 से लेके उसके बाद की ज़िंदगी आपको रहेगा। हाँ क्यों कह रहा हूँ कि इनके उस तरीके का सक्सेस मिल पाएगा, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल पाएगी, देखिए माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, एक पॉजिटिव चीज़, अच्छे फेम ये कमा पाएंगे ज़िंदगी में क्योंकि ये टर्न है। और दूसरी यहाँ पे छोटी सी लाइन है, देखिए ये भी एक माइंड लाइन है,
छोटी है लेकिन डबल माइन लाइन का तो इम्पैक्ट इनको आएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन फिर भी ये जो डबल माइन लाइन बन रही है इसके कारण भी इनको ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिल पाएगी, अच्छे छलांग ये लगा पाएंगे। बस फेथ लाइन का साथ होना चाहिए जो हमें 40 इयर्स के बाद ही मिलता हुआ देखने को मिलेगा। उससे पहले स्ट्रगल रहेगी, अप एंड डाउन रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरीके से आपका ज़िंदगी अभी तक तो चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके कैरियर होना कैसे चाहिए। देखिए, फैमिली बिजनेस है जो माइन लाइन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि लंबी माइन लाइन के कारण आपको फैमिली बिजनेस में ही सक्सेस मिलेगा, लेकिन बिजनेस इनके नेचर के हिसाब से है नहीं, इनके पाम के हिसाब से है नहीं, तो सक्सेस हमेशा ही लिमिटेड सक्सेस रहेगा, वहाँ पे वो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी काम आपको पसंद हो जहाँ पे फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा ना ज़रूरत हो, इस बात का हमेशा ध्यान में रहिएगा कि पसंद भी होगा अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कुछ टाइम करने के बाद वो आपका पसंदीदा काम नापसंदीदा में बदल जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो जो भी काम आपको पसंद हो जहाँ पे फिजिकल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, उस तरीका जहाँ पे मेंटल काम, मेंटल या दिमाग से ही लिया जाता है सारे फैसले और काम, वो सारे कामकाज के ऊपर आप फोकस करिए, उसको लेके आप करते रहिए। लंबे माइल लाइन है फिर भी मैं कह रहा हूँ करते रहिए, चाहे वो प्रोफेशन हो बिजनेस हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको करना है तो जॉब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसी जगह पे जॉब करेंगे जहाँ पे लंबे समय तक आप काम काज कर पाएंगे, कुछ सालों के बाद स्ट्रगल के बाद वहाँ पे भी अच्छा सक्सेस मिल सकती है। अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं, बिजनेस ही करना है, तो उस तरीके का बिजनेस करिए जहाँ पे फिज़िकल लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे मेंटल काम से काम लिया जाए। हाँ, इसे याद रखिएगा, लंबी माइल लाइन है, इवन आपकी डबल माइल लाइन होते हुए भी आपको 40 तक एक स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी। तो 40 तक जगह स्ट्रगल करनी ही पड़ रही है, तो नया कुछ शुरू करिए, उस नया चीज़ में भी स्ट्रगल करिए। 40 आते आते आपके पास 6-7 साल की एक्सपीरियंस आ जाएगी और ये फेथ लाइन अच्छी जब हो जाएगी आपकी, आने लगेगी, तो वहाँ से भी आपको अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। किसी भी तरीके का कैरियर का चेंज आपके लिए अच्छा होगा स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल होगी उसके बाद अच्छा होगा, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। ये साइन जो दिखाती है कि मल्टीपल प्रोफेशन आप कर पाएंगे, फैमिली बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी कंटिन्यू करिए। ये खुद ही कर रहे हैं, फैमिली का ही बिज़नेस था पहले, लेकिन ये अभी खुद से ही कर रहे हैं, लेकिन है वही आपकी जिन में है ये बिज़नेस, आप जानते हैं इस बिज़नेस, तो इसी को हम लोग फैमिली बिज़नेस से ही मानेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपल काम आप कर पाएंगे, उतनी क्वालिटी आप में है, तो इस तरीके से चलिए। फाइनेंशियल अभी लिमिटेड ही रहेगा 40 तक, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। 48 के बाद अच्छा सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि फेथ लाइन यहाँ पे आ रही है, माइल लाइन यहाँ तक जा रही है, डबल माइल लाइन भी है, जिनके कारण मिलेनियर आप बन पाएंगे, लेकिन वो शुरुआत होगी 48 से। हाँ, हो सकती है कि 48 से शुरू हो रही है और 60 के करीब आते आते आप मल्टी मिलेनियर बन जाए, ठीक है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।